मैं इतनी हॉट सी एंड सेक्सी सी लड़की हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहूंगी कि वो लड़का भी हॉट सा और सेक्सी सा ही हो। प्लस मैंने इतना खर्चा किया है खुद के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बहुत खर्चा करूंगी, पलकों पे बिठा के रखूंगी, बट जेन्युइन होना चाहिए। तो भाई आंटी ने हमें बुलाया था, आंटी से मेरा कॉन्टेक्ट, मैं पहले से आंटी को जानता हूँ, तो आंटी बताओ आपको क्या मदद चाहिए हमसे? मुझे मदद चाहिए कि मेरा एक तो मेरा नाम मैं बताती हूँ अपना, नाम है अनीता। अच्छा, मेरा नाम जानवी, जानवी है। आपका जानवी नाम है। हाँ जी बताओ आपको क्या मदद चाहिए? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये बेटी है। अच्छा मेरी, हाँ। मतलब मेरे देवर की लड़की है। अच्छा आपके देवर की लड़की है। हाँ ओके। तो मतलब इसके मम्मी पापा ना एक्सीडेंट में दार्जिलिंग में रहती थी पहले। जी दार्जिलिंग है। जी, मतलब हाँ। जो आपके पापा ने कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में लव मैरिज थी मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स की लव मैरिज थी। ओके, बट अब मैं 10 साल से इनके साथ ही रह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मुझे इसके लिए मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली है और लड़की सही है हमारी, और मतलब इसके लिए चाहती हूँ कि मैं इसके लिए कोई लड़का मिले। अच्छा आपके लिए इसके लिए लड़का ढूंढना चाहती हूँ। ढूंढना चाहती हूँ। तो हमारे पास और ये चाहती है, ये चाहती है कि मतलब मुझे सोशल मीडिया से मिले कोई लड़का। अच्छा सोशल मीडिया वाला लड़का चाहिए कोई। कह रही है कि घरेलू जो होते हैं ना, आस पड़ोस में से किसी से बात करते हैं या गांव वाले से किसी से बात करते हैं, तो वो मुझे लड़के नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया वाले ढूंढ के देंगे तो उनसे मैं करूंगी साथ। ठीक, तो आपको बता दो भाई कैसा कैसा किस टाइप का लड़का चाहिए आपको, वो बता दो थोड़ा। मेरे को लड़का थोड़ा मतलब जैसे मैं वेल एजुकेटेड हूँ अभी तो पढ़ ही रही हूँ, तो जो लड़का वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्लस थोड़ा बीएड होना चाहिए उसका, लुक्स वाइज अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह थोड़ा जी, दाढ़ी वगैरह हिंदी में बोलो ना आप यार। हाँ, थोड़ा दिखने में अच्छा होना चाहिए, लुक बॉडी वगैरह अच्छी होनी चाहिए उसकी, बाकी दिल का अच्छा होना चाहिए, बाकी तो बता ही दिया है। कहती है मेरी ताई ऐसे मत कर देना कि जो जैसे मर्जी लड़के के साथ शादी कर दो, और कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, सब कुछ है मेरे में, कोई कमी नहीं है, तो मैं अपने जैसे ही लड़का, अपने जैसे चाहिए। अच्छा अच्छा, अपने जैसे आपको। तो एक बार मैं देखो जो मुझे सुखी रखे। अब पहली बात तो यह है कि हमें दहेज में देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे 5 फ्लैट बने हुए हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर है, ये जो फ्लैट है ये 5 यहाँ पर है, 5 दूसरी जगह है। अच्छा, ये देख लो भाई इनके मैम के सारे फ्लैट, और 5 यहाँ है, 5 दूसरी जगह भी है। अच्छा, 5 दूसरी जगह। हाँ। पर और आपके ये उनका किराया आता है। अच्छा अच्छा, मतलब और आपके पास और कोई बिजनेस इसके अलावा? बिजनेस है तो ऐसा नहीं है, मतलब हमने उसकी एक्सपोर्ट का काम खोल रखा है अलग से। अच्छा हाँ, तो उस बिजनेस वगैरह कौन संभालता है? बिजनेस मेरे हस्बैंड संभालते हैं, बाहर रहते हैं ना। आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, और आप अभी फैमिली में कौन कौन रहते हो? अभी फैमिली में ये हैं दोनों। अच्छा, आप दोनों ही हो? अभी हम दोनों। और लड़का देखो आप ये बताओ कि मतलब वो मतलब जो घर जमाई होता है वो चाहिए या कैसे क्या चाहिए आपको, वो बता थोड़ा। वो घर जमाई बनना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी तो है ही, उसका किराया आता है और एक्सपोर्ट का काम है, वो भी साथ में संभाल ले, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से इनके साथ रही हूँ तो फिर अलग भी नहीं हो पाऊंगी इनसे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए घर जमाई। फिर मतलब ये क्योंकि 10 साल से ये मेरे पास ही रह रही है, अब ये 20 साल की हो गई है। जी, हम चाहते हैं कि 21 में होते होते इसकी शादी हो जाए। अच्छा, आप एग्री मतलब अपनी शादी करवाने के लिए 21 साल तक देख लो, सोच लो अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो आंटी आप एक बात होता, लड़का मतलब जॉब वॉब करने वाला होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, या बिल्कुल काम नहीं करता हो, या आप उसका काम करवा दो, कैसा क्या होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट वाला भी नहीं होगा ना। हाँ। तो मैंने जो आपको बताया ना कि हमारी एक्सपर्ट की काम है। हाँ। तो वो भी संभाल सकता है साथ। अच्छा, वो लड़का संभाल सकता है। संभाल सकता है। ठीक भाई, ये लड़की है देख लो इसको। मैम आपकी हाइट क्या होगी? समथिंग होगी 5'2". अच्छा, 5'2". है। और आंटी देखो, और मतलब आप दहेज में मतलब ये कि मैं दहेज देना चाहती हूँ, ये लड़का भाई कोई है, कोई एग्री रहते हैं भाई कि दहेज? हाँ, मैं दहेज में तो देखो वही है कि अगर वो हमारे साथ रहेगा। हाँ, तो मतलब जैसे गोल्ड वगैरह देते हैं वो भी हम मैं दे दूंगी इसको। अच्छा अच्छा, गोल्ड 3-4 लाख का गोल्ड आराम से। 3-4 लाख का गोल्ड। अच्छा अच्छा, आराम से। और 10 लाख की शादी कर दूंगी। 10 लाख रुपए की शादी कर दूंगी। 10 लाख की शादी। और उसका जो बिजनेस वगैरह, बिजनेस है वो ये बोलो भाई मुझे आपके एक्सपोर्ट में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना खुद का और बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिप्लाई है, आप ये बताओ। तो मेरा ये रिप्लाई है कि जो 10 लाख रुपए में एक तो शादी करेंगे, 4-5 लाख ऐसा ना हो कि थोड़े दिन मतलब सही से रखे और फिर उसके बाद परेशान करे, वो भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो लड़की को सही से रखे, संभाल रखे, कोई लड़ाई झगड़ा या मारे पीटे नहीं। अच्छा, क्योंकि अच्छा, बहुत से होते हैं कि थोड़े दिन मतलब पैसों के लिए कर देते हैं, ऐसा लड़का नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा लालच टाइप का नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, और मैडम उसका रंग कैसा होना चाहिए लड़के का, गोरा सावला कैसा चलेगा आप ये बताओ? गोरा ही होना चाहिए। गोरा रंग होना चाहिए मतलब आपकी तरह। ठीक 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 ठीक, जोड़ी तो लगे कि हाँ भी सही है, सही बात है। और हाइट में आपसे थोड़ा बड़ा है या छोटा? थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना इससे। ठीक है,
और कुछ बता दो भाई। हाँ हमें ये बताओ, हम ये देंगे वो देंगे, मेरे को ऐसा, अब अपने बारे में तारीफ करो तुम, ठीक है ये सीखो। हाँ और कुछ बता दो भाई थोड़ा कुछ अपने बारे में, और क्या क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कंप्लीट मतलब कर ही रही हूँ, अभी तो ग्रेजुएशन में ही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो यही है कि लड़का अच्छा लाइक लुक्स वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। अगर मैं अच्छी दिखती हूँ तो वो भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। हाँ, सही बात तो है। बाकी फाइनेंशियली भी ठीक हो तो सही है, बाकी तो ताई जी देख ही लेंगी, बट दिखने में अच्छा होना चाहिए। ब्यूटी का काम सिखा रही हूँ, बुटीक का, इसका बुटीक का काम। बुटीक, बुटीक मतलब क्या होता है? बुटीक का मतलब ये कढ़ाई बुनाई जो है और ये सिलाई वगैरह का होता है। अच्छा, आप इसका काम, मतलब इसका काम अभी आप सीख रहे हो? हाँ। और जो आपकी पढ़ाई वगैरह वो मतलब चल रही है, कोई भी भाई देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, मतलब और लोगों तक पहुंचो कि क्या पता भाई इसमें आपका नंबर ही आ जाए शादी करें। देखो भाई इतनी सुंदर लड़की है और आपके सामने है भाई, जिस जिसको पसंद, मैंने 4-5 तो शादी करवा दी, और क्या पता भाई अगला नंबर आपका है। देखिए ये लड़की है, आप इनको देख सकते हो मैम को, ठीक है। और आंटी बता दो कुछ और आपकी कुछ डिमांड विमांड हो लड़के के बारे में? नहीं, हमारी डिमांड तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि लड़का ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छे परिवार से होना चाहिए। और लड़का ये कहे कि भाई मैं अपनी फैमिली को लेकर यहीं पे आके रहूंगा और घर जमाई बनकर रहूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये नहीं कि आप उसकी फैमिली को थोड़े दिन बाद दुखी करो, ये नहीं, ये आंटी ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखो मैं बता तो रही हूं, 5 फ्लैट यहाँ है, 5 दूसरी जगह है, अगर उसमें से 2 फ्लैट वो मेरे से ले भी लेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फैमिली के साथ रहे। आंटी देखो मेरी सोशल मीडिया से बंदे आएंगे, मेरी से, मैं ये नहीं चाहता, मैं अपना नाम कभी खराब नहीं करना चाहता कि भाई मेरा नाम खराब हो गया, ये भाई इस भाई ने शादी करवाई और इसके साथ ये सब हुआ, ठीक है, मैं नहीं करवाना चाहता। नहीं, वो जो हम कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। और मैम आप कुछ ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह? नहीं, ये चीज नहीं, ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब लड़के में तो नहीं, आप करते हो ये चीज? नहीं, मैं नहीं करती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो लड़का भी ना ही करे तो अच्छा, साफ सुथरी फैमिली मिले। अरे मतलब आपको ये पता रहा भाई बाद में ड्रिंक स्मोकिंग करने लगा तो फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, फिर तो यही है, या तो उसको बोलेंगे भी छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, छोड़ेगा तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा भाई, इनको मतलब देखो एक गाड़ी दे दूंगी। अच्छा, एक गाड़ी दे दूंगी लड़के की, जैसे भाई मर्जी के हिसाब से, आप अपनी मर्जी के हिसाब से दोगी? वो उसको लड़के को बोल देंगे भाई चल गाड़ी पसंद कर ले और उसके मर्जी की गाड़ी निकलवा दे। अच्छा, उसकी मर्जी की और गाड़ी। हाँ, बट लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पूरा निठल्ला तो नहीं होना चाहिए, मतलब मतलब काम भी करता और दिखने में भी अच्छा हो, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ तो काम करता हो तो देखना ही पड़ेगा, ये तो है नहीं कि ऐसे ही दे देंगे। सारी बातें पूछेंगे इनसे, डिस्कस करेंगे, आप भी और निकालना जानकारी सही से। नहीं, जैसे भाई मेरे कोई कॉन्टेक्ट में आता, मैं 10-15 बंदों की लिस्ट दे दूंगा, पहले आपको सारे दिखा दूंगा, उसमें से आप 10-15 चूज कर लेना, फिर 10-15 में से भाई आप, मैं जो हमें समझ में आएगा वो हम, हाँ मैं 4-5 बंदों को आपसे मिलू, ये नहीं कि आप एक बंदा सेलेक्ट, नहीं 4-5 बंदों से मिलवाऊंगा, आने जाने का कन्वेंस भाई मैं भुगतूंगा उनको, ठीक है, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो आए जाएंगे उनके पैसे लगेंगे, ठीक है। ये घर है भाई आंटी का, ठीक है, आपको घर दीजिए। हाँ, ये आंटी छठी मंजिल पर लेकर आई है और इससे ऊपर भाई मतलब अस्त मस्त बना हुआ है, और ये देखो, और देखो नीचे मैं आपको दिखा दूँ भाई, सब मीटर भी लग रहा है, इतनी हुआ है, ठीक है। और भाई जी ये सब तो दे देंगे, बट लड़का अच्छा होना चाहिए, मतलब दिखने में, क्योंकि मैं इतनी सेक्सी सी हॉट सी हूँ, मतलब इतना सब तो दे ही रहे, तो लड़का भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे में कोई कमी नहीं है तो फिर उसमें क्यों कमी हो, है ना? सही बात है। और आप मतलब भाई अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो, पहले हम देखेंगे कैसा है लड़का, क्योंकि घर बार तो सब देख लेंगे, 2-4 बार हम उससे मिलेंगे भी। अच्छा, मतलब आप उसकी फैमिली से डिस्कसिंग कर लो तो वो देखो बेस्ट रहेगा। और एक चीज और, मैं यानी कि एक ही बार हमने देखा और हाँ कर दी, वो नहीं करेंगे। हाँ, और एक चीज जो कोर्ट से जाके मैं अपनी तरफ से भाई वो करवाऊंगा कि हाँ बाद में कभी आप लड़के को परेशान ना करो, देखिए आप लड़के को परेशान ना करो, मैं ये चीज चाहता हूँ, ठीक है। कभी लड़का आपको परेशान कर, परेशान करेगा ना, देखो उसकी जिम्मेदारी फिर आप दोनों की रहेगी, फिर बीच में मैं नहीं रहूंगा, ये पहले, क्योंकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हो, फिर बाद में कभी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कोर्ट से भी करेंगे, ठीक है। और दिक्कत हो और कोई बातचीत हो और बताओ? नहीं, बस और कोई दिक्कत नहीं है, यही दिक्कत है की इसका मतलब अच्छे से लड़का मिल जाए और उसी फैमिली से बात करेंगे, 4-5 मिलेंगे तब जाके क्लियर करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आंटी? हाँ। मतलब जैसे कोई मिलता है कोई लड़का मेरी नजर में आता है, जैसे ये जितने भी सब देख रहे व्यूअर्स, वो लाइव चल रहे हैं फिलहाल अभी वीडियो, तो जितने भी देख रहे हैं भाई सब कमेंट कर दो और अपना अपना एड्रेस बता दो, ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं।